Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I know I was off for 10 days and I'm back again. So in today's video, we are going to talk about this product, which is the Viral Eye Cream, which is Beauty of Joseon Revive Eye Serum with Ginseng and Retinol. Okay, this is a really big dabba and this comes in this kind of पैकेजिंग. हम सॉरी कॉन्ट्रास्ट की वजह से आई थिंक थोड़ा सा ब्लैकआउट हो रहा है, बट अगेन ओके ऐसा है प्रोडक्ट एंड इट कम्स इन द पम्प पैकेजिंग एंड इसका मुझे वेस्ट नहीं करना है. गोल्ड इट कम्स इन दिस येलो कलर का टेक्स्चर एंड इट्स रियली रियली ईजी टू ब्लेंड एंड यू कैन यूज दिस एवरी डे. सो I bought this from this actually retails for around 1200 ऐसा कुछ तो actual price, but I bought it from Myntra. मैं ऐसे ही देख रही थी and I was like देखती हूँ, I wanted something new. I was using the L'Oreal Paris Glycolic Acid Eye Serum before, but then I was like I need something new. उसमें से कुछ ज़्यादा extreme कुछ नहीं दिख रहा था मुझे results. I used it for 3 months and it didn't do ऐसा कुछ भी ज़्यादा to my eye, under eyes and I have upper eyelid pigmentation, so I was like I need something else. And मुझे अभी पता नहीं क्यों क्या हो गया कि I want to level up my skin care and I was like थोड़ा सा मैं कोरियन इसमें जाके देखती हूँ. ओके सो ऑल ऑफ दैट blabbering. सो वॉट आई वॉज सेइंग इज मैंने ये ऑर्डर किया एंड I've been using it almost 1 month ho gaya and this is actually a good product because I have upper eyelid pigmentation. If you're a brown girl, if you're an Indian girl, you know that kuch logon ko upper eyelid pigmentation rehta hai and it doesn't go whatsoever. To ye I'll put my before and after. Abhi bhi ye pura completely gaya nahi hai but I can see a drastic change and kuch dinon ab let me know ki aapke sath bhi aisa hota hai kya ki you start to try you bring something some new product and you'll be like abhi main acche se khana khaungi, acche se pani piungi, acche se soungi 8 hours and wo sone ka part thoda sa miss ho jata hai. To mere sath bhi aise hua ki I bought this and some days I slept for 5-4 hours because of my work commitments and baki sab cheeze, but still next day I was not looking that tired. This made sure कि वो हाइड्रेट एंड इतना हार्श प्रोडक्ट नहीं है जैसे मैं लगा के सोती थी ना. मैं लगाती थी एंड मैं 10 मिनट्स उसको ऐसे ही रखती थी एंड देन उसके ऊपर मैं मॉइस्चराइजर लगा के मैं सो जाती थी. आई यूज़ टू डू दिस एवरी नाइट एंड इन द मॉर्निंग आई डिड नॉट स्किप. सनस्क्रीन मैं एवरी डे लगाती थी एंड मुझे कुछ इरीटेशन नहीं है एंड आई डोंट नो इफ पीपल हैव इट. आपको अंडर आइज के नीचे थोड़े थोड़े वाइट ऐसा डॉट 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 दिखते हैं. मेरे लिए मेरे अंडर आइज के नीचे था वैसा एंड इट्स नॉट मिलिया लाइक वो डिहाइड्रेशन की वजह से आई थिंक वो एंड लाइन्स. आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज गाइस. यू हैव नो आइडिया. मैं आपको वीडियोज दिखाऊँगी एंड इट हैज़ चेंज्ड माई आई गेम एज एन आई के अराउंड वाला आई क्रीम. ये स्किन हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड. हम सॉरी फॉर फम्बलिंग बहुत ज़्यादा बिकॉज आई जस्ट ड्रिंक कॉफ़ी एंड इट्स मेसिंग अप विद माय सिस्टम. ओके एंड दिस इज बहुत बड़ा है. ऐसी आई हैव लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ बहुत बड़ा है ये एंड दिस इज़ अ 30 ग्राम प्रोडक्ट एंड आई गॉट इट. मैं जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल प्राइस इसका 1000 के आसपास है, बट दिस विल लास्ट यू बहुत ज़्यादा टाइम तक. दिस विल हेल्प विद पिगमेंटेशन रिंकल्स एंड एवरीथिंग. यू कैन ट्राई दिस. मुझे मिंत्रा पे 800 रुपीज़ के लिए मिला था ये एंड आई थिंक दिस इज़ टोटली वर्थ इट. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यूजिंग दिस बिकॉज मेरा मेन इनसिक्योरिटी वही था कि मैं आई मेरा स्किन फिर भी ठीक है, मतलब
इट्स क्लियर, गेटिंग क्लियर अभी एंड इट्स फाइन, वो जल्दी हील हो जाता है, बट माई आईज एंड आई हैव स्लीपिंग इश्यूज एज यू नो. तो दिस हैज़ एक्चुअली हेल्प मी पूरा, मतलब स्किन का फेस स्किन फेस का स्किन एंड आईज का स्किन जैसा, मतलब इवन आउट करने में मुझे टाइम लगेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यूजिंग दिस. आई विल रीपर्चेज दिस एंड आई थिंक लोग जब बोलते हैं कि कोरियन प्रोडक्ट्स में कुछ है, आई थिंक एक्चुअली कुछ है. अगर आपके पास बजट है, नहीं है तो भी सेव करके, 2-3 मंथ सेव करके साइड साइड में रख के यू कैन बाई दिस एंड दिस विल लास्ट अ रियली लॉन्ग टाइम. 30 ग्राम का प्रोडक्ट एंड यू जस्ट नीड अ लिटल बिट एंड डू नॉट फॉरगेट योर सनस्क्रीन एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प. मैंने क्लिप्स लगा दूँगी अभी, यू कैन चेक आउट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव एनी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन ग्रो एंड आई कैन बाय सच थिंग्स एंड रिव्यू फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग ऑल द लव टिल नाउ. I'll see you in my next video. Bye-bye.